बहुजन समाज पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से कथित छेड़छाड़ के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। बसपा ने आज कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है और इसलिए हर महीने वह काला दिवस मनाएगी। इसी क्रम में आज गोरखपुर में बसपा कार्यकर्ताओं जिलाधिकारी कार्यालय पर काला दिवस मना रहे थे। मायावती ने कहा कि बसपा इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आंदोलन करेगी। पार्टी हर महीने के 11 तारीख को उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के राज्य मुख्यालयों पर काला दिवस मनाएगी। इस कड़ी में पहला प्रदर्शन आज जिला मुख्यालय पर किया गया। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन अब तक जारी रहेगा जब तक कि चुनाव बैलेट पेपर से न करवा दिया जाए। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।